दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 साल तकरीबात हो रही हैं। इसमें भाग लेने के लिए हमारे देश के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को दावत दी गई थी और उन्होंने कल इसमें हिस्सा लिया और अपनी तकरीर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता लोगों को ही नहीं बल्कि तमाम मजहब के लोगों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो जानकारी उन्होंने दी है वो बहुत ही अहम है। उस पर सबकी नज़रें पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की तकरीर के बारे में डिस्कशन हो रहा है और उनकी तकरीर क्या थी उसे मैं आपकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय सहारा में शाया एक मज़मून को पढ़ देता हूँ। इससे आपको इल्म होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या हैसियत है और मोदी जी ने जो बातें कही हैं उनकी क्या हैसियत है। सब खुश हैं, हम हिंदुस्तानी भी खुश हैं और गैर ममालिक में रहने वाले ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि दूसरे मजहब के लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो मैं अब सीधे राष्ट्रीय सहारा के पेज पर आता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने मुल्क के मारूफ और तारीख़ी तालीम इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साल तकरीबात का ऑनलाइन इफ्तिताह करते हुए यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया और मुल्क का काबिल फ़ख्र वर्षा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने वाले तलबा पूरी दुनिया में मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। गुज़िश्ता 100 बरसों के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दुनिया के मुतहद मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के रिश्तों को मजबूत बनाया है। मुल्क की तामीर और तरक्की में AMU का कुलीदी रोल रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने सर सैयद अहमद ख़ान को खराज अकीदत पेश करते हुए AMU के सदी के मौके पर पोस्टल डाक टिकट भी जारी किया और वर्चुअल जलसे में AMU के चांसलर सैयदना मुफज़ल सैफुद्दीन और मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल के अलावा प्रो चांसलर नवाब इब्न सईद ख़ान छतारी भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोटा हिंदुस्तान करार दिया वहीं इस इदारे के जंग आज़ादी में कुलीदी किरदार का भी तस्करा किया। आज का दिन AMU की तारीख का बहुत अहम दिन था जिस दिन सर सैयद अहमद ख़ान के इस चमन का 100 साल जश्न मनाया जा रहा था। ये दिन इसलिए भी ख़ास हो गया था कि 1964 के बाद पहली मर्तबा मुल्क के वज़ीर आज़म AMU के किसी जलसे से खिताब करने वाले थे। उनका खिताब शुरू होने तक सभी की नज़रें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुंतज़र थीं।
अपने ख़िताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ सर सैद अहमद ख़ान के इस आलम शोहरत याफ्ता तालीमी इदारे की तारीफ़ की, वहीं यहाँ से फारिग तो तहसील तलबा का भी ज़िक्र किया जो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख़िताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लगने वाले उन इल्ज़ामात की भी तरदीद करता रहेगा जो अक्सर व बेशतर इदारे पर लगते रहे हैं। उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में एएमयू की कुलीदी किरदार का जो जिक्र किया उसको सभी ने पसंद करते हुए वज़ीर आज़म के ख़िताब की सताइश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया से ताबीर करते हुए कहा कि यहाँ उर्दू हिंदी अरबी संस्कृत के साथ तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की भी अक्कासी करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि यहाँ की लाइब्रेरी में क़ुरान मौजूद है तो गीता रामायण के कदीम नुस्खे भी मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि एएमयू में हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। वज़ीर आज़म ने एएमयू की कुछ दरीना रिवायतों का भी ज़िक्र किया जिसे ख़ुद अलीगढ़ बरादरी भूलती जा रही थी। उनके ज़रिए तालीम निस्वान के ताल्लुक से आज से 100 साल कबल एएमयू के ज़रिए किए गए कारहाए नुमाया की सताइश पर भी असातिज़ा का कहना है कि यकीनन तालीम निस्वान के मैदान में एएमयू ने संगमेल की हैसियत बनाई है। अब मुस्तकबिल में इन काविशों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जंग आज़ादी में कुलीदी किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ से कई मुजाहिदीन आज़ादी निकले हैं जिनको याद किए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एएमयू में इस्लाम के हवाले से जो तहकीक होती है उससे हिंदुस्तान के इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। एएमयू के इंतज़ाम ने उन्हें कुछ दिन पहले ख़त लिखकर कोरोना वैक्सीन के मिशन के दौरान हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी की है। साथ ही उन्होंने कोविड के दौर में एएमयू के ज़रिए किए गए रिफाही कामों का भी तस्किरा किया और कहा कि आपने इस मुश्किल वक्त में आवाम की जो खिदमात अंजाम दी हैं वो अपनी मिसाल आप है। वज़ीर आज़म मोदी जी ने अपने ख़िताब में कहा कि एएमयू की दीवारों पर मुल्क की तारीख दर्ज है और यहाँ से निकले मुतअद्दिद तुलबा क़दीम से बैरून ममालिक में मुलाकात होती है तो वह हमेशा अपनी मादर इल्मी का ज़िक्र करते हैं और उसकी ख़ूबियों से वाकिफ कराते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से फारिग तुलबा हमेशा खुश मिजाज और शेर व शायरी के मद्दा होते हैं। वज़ीर आज़म ने सर सैद अहमद ख़ान को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके पैगाम को दोहराया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सबकी खिदमत करनी चाहिए चाहे उसका मज़हब या तबका कुछ भी हो। ऐसे में मुल्क की खुशहाली के लिए उसकी हर सतह पर तरक्की होना ज़रूरी है। आज हर शहरी को बिला तफरीक तरक्की के मौके फराहम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरी आइन से हासिल शुदा हकूक़ के हवाले से सब बेफिक्र रहें, सबका साथ सबका विकास अब सबका विश्वास ही सबसे बड़ा नेहरा है। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक तारीखी छाप छोड़ी है। उन्होंने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को दावत दी और
मौका दिया कि उनकी तकरीर हो। और वज़ीर आज़म ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो बातें कही हैं वो सबके दिल को खुश करने वाली हैं। अल्लाह करे कि ऐसे मौके हमारे मुल्क को हमेशा फराह हों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी हमारे वज़ीर आज़म ने दिल खोल कर तारीफ की है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता लोगों के सिलसिले में भी जो बातें उन्होंने कही हैं वो भी बहुत अहम है। हम सबको एक सबक लेने की ज़रूरत है। हम अलीगढ़ की हैसियत को समझें, अलीगढ़ की खिदमत को समझें। अलीगढ़ जो हिंदुस्तानियों के लिए काम करते आया है ज़माने ज़माने से, उस पर गौर करें। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें न सिर्फ हिंदुस्तानियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने रखी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, सर सैद अहमद ख़ान के सिलसिले में और यहाँ की तहजीब व तमद्दुन के सिलसिले में, उन तमाम बातों से हर सच्चे हिंदुस्तानी का दिल खुश होता है। आज वो लोग भी जो चंद बातें कह रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में और हमारे वज़ीर आज़म को बुलाए जाने के सिलसिले में, वो भी खुश हुए होंगे क्योंकि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत दुनिया के सामने आई है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए। अल्लाह करे कि हमें ऐसे मौक़े फराम होते रहें। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे मुल्क को बहुत चाहते हैं, इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को मादरे वतन प्यारा होता है। यही हालत हम हिंदुस्तानियों की है। मज़हब हमारा जो भी हो, हुब्बुल वतन मिनल ईमान कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब कहा करते थे, ये सच्ची बात है। हमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो बस आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या हैसियत है और हमारे वज़ीर आज़म को जो खिताब करने का मौका दिया गया उस के क्या माने होते हैं। ये सब बातें वज़ीर आज़म के खिताब से हमें मालूम हुई हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हमारे वज़ीर आज़म के ममनून मशकूर हैं कि उनके ज़रिए हमें बहुत सी बातें मालूम हुई हैं और दुनिया भर के लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में और वहाँ से तालीम याफ्ता लोगों के बारे में जो बातें हमारे वज़ीर आज़म ने कही हैं, उन पर भी सबकी नज़रें पड़ी रहेंगी, सब गौर करते रहेंगे। खुदा करे कि हम सबको ऐसे मौके हमेशा नसीब होते रहें। बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई वीएम खलीलुर्रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।